अब आप मुझे बताना कि दो पॉइंट्स में से सेंसिबल पॉइंट आपको कौन सा लगता है। आखिर क्यों सुभाष चंद्रा जैसे ही राज्यसभा का चुनाव हारते हैं, उधर वैसे ही सुधीर चौधरी जी जी न्यूज से रिजाइन दे देते हैं। अब यहां पर सवाल यह उठाया जा रहा है कि सुधीर चौधरी क्या वाकई सुभाष चंद्रा के लिए ढंग से राज्यसभा चुनाव की लॉबिंग नहीं कर पाए थे? ये सवाल निशान है। सब कुछ होते हुए भी लोग कह रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, पहले जी मालिक के सुभाष चंद्रा राज्यसभा चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सुधीर चौधरी जी पर जो उनके पर हैं उनके कतरने चालू हो जाते हैं और उनसे सारी जिम्मेदारियां लेनी शुरू हो जाती है और उसके बाद सुधीर चौधरी जी से उनका जो चर्चित शो है डीएनए वो भी छीन लिया जाता है और एक नया एंकर रोहित रंजन उसी शो में एंकरिंग के लिए बुलाए जाते हैं और उस शो को वो एंकरिंग कर रहे होते हैं। फिर अचानक से सुधीर चौधरी जी भारी मन से इस्तीफा देते हैं और इस्तीफे में लिखते हैं कि मैं इस संस्था का अपना 100% दिया और आज इस मुकाम तक मैं लेकर के आया हूँ और अब मैं नया वेंचर या फिर एक नई वेंचर चालू करूंगा जो अपने लिए ही होगा। इस्तीफे का जवाब में सुभाष चंद्रा जी लिखते हैं कि मैंने सुधीर चौधरी को मनाने की तकरीबन 2-3 दिन तक कोशिश की, लेकिन वह अपना ही कोई नया वेंचर लाना चाहता है तो उसके भविष्य के लिए मंगल शुभकामनाएं मैं देता हूँ। जैसे ही इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता है वैसे ही उसी रात जी न्यूज पर राहुल गांधी को लेकर के एक गलत खबर को प्रसारित किया जाता है। उसको लेकर मैंने अपना पर्सपेक्टिव दे दिया, जाके आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद उस खबर के जो एंकर थे रोहित रंजन पर FIR दर्ज की जाती है और छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है रोहित रंजन को गिरफ्तार करने उनके घर आसपास घूमती रहती है। एक पूरी कहानी आपको पता है। अब यहाँ पर एक आशंका जताई जाती है कि सुधीर चौधरी के इस्तीफे से जुड़ा है, जहाँ एक तरफ सुधीर चौधरी कहते हैं कि मैंने डीएनए को ऊंचाइयों तक पहुँचाया है, वही उनके इस्तीफा देते ही उसी डीएनए में एक खबर के बाद क्रेडिबिलिटी अब जमीन पर धरातल पर आ जाती है कि सुधीर चौधरी जी गए और फेक न्यूज़ फैलाना अब एक शुरू हो गया और शो की जो क्रेडिबिलिटी थी सुधीर चौधरी के नाम पर वो खत्म होती दिखाई दे रही थी। गलत खबर के बाद सिर्फ डीएनए ही नहीं जी न्यूज़ और सुभाष चंद्रा पर भी एक सवालिया निशान लग जाता है। अब यहाँ पर यह भी आशंका जताई जा रही है डिटेक्टिव टाइप वाली, जैसा ऐसा लगता है कि यह सब अचानक नहीं हुआ है बल्कि एक कोई इंटरनल सैबोटाज है। कोई भी सीरियल या फिर ऑन एयर जो बाइट होने से पहले असाइनमेंट पर जाती है या खबर की पुष्टि करती है, फिर खबर को डेस्क तक भेजती है, फिर जहां पर डेस्क उसको देखता है परखता है उस खबर को लिखता है, फिर खबर को आगे बढ़ाया जाता है। कम से कम राहुल गांधी और मोदी जी की खबर को लेकर के तो सारे न्यूज़ चैनल एक बार नहीं कई बार इसको पोस्ट करते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए। लेकिन राहुल गांधी के फेक न्यूज़ फैलाने के पीछे इस खबर को लेकर के ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ करके किसी के कहने पर इस खबर को ऑन एयर किया था, जिसका खामियाजा डीएनए शो जी न्यूज़ और सुभाष चंद्रा को भुगतना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि सुधीर चौधरी जी का कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ये सारा खेल अंदर रचा है ताकि क्रेडिबिलिटी धरातल पर आ जाए। अब यह सुभाष चंद्रा को खोजना होगा कि ऑन एयर खबर की सच्चाई क्या थी और कैसे बिना चेक किए इतनी बड़ी फेक न्यूज़ बना दी जाती है और यह सब किसने किया। इसमें कोई एक दोषी नहीं मिलेगा, इसमें कई दोषी मिलेंगे। सुधीर चौधरी जी का अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ था और पूरा खेल करा दिया और ये महसूस करा दिया कि मेरे जाने का मतलब क्या है। तो ये बात में सच्चाई क्या आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे? वहीं रवीश कुमार की पोस्ट आप देखिए, रवीश कुमार कहते हैं, अब इसी संदर्भ में बताता हूं कि आज टाइम्स नाउ अपने सारे कार्यक्रम में ईडी का स्वागत करेगा। एक राष्ट्रवादी एजेंसी की तारीफ एक राष्ट्रवादी चैनल नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? एंकर तो ट्वीट भी कर रहे होंगे। ऋतु सरिन, ये इन्होंने एक खबर लिखी, मैं आपको बता देता हूँ, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऋतु की खबर है तो हवा में नहीं होगी। ईडी वाले तो टाइम्स ग्रुप की पड़ताल करने लगे। 900 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला है तो टैक्स बचाने के लिए इतना सारा पैसा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड खपाने के मामले में पूछताछ तो हुई है। 2024 के आते आते मीडिया का लैंडस्केप काफ़ी बदलेगा। सत्ता को पता है कि जनता मीडिया को देखते ही भड़क जाती है, इसलिए एंकरों को यहां से वहां किया जाएगा ताकि एक नए प्लेटफॉर्म पर देख करके कुछ नया सा जनता को लगने लगे। अब आपको लगेगा कि स्वाभाविक तरीके से ये सब हो रहा है, लोग नौकरी छोड़े जा रहे हैं, मगर जरूरी नहीं है कि एकमात्र कारण हो। चैनलों के नाम अलग हैं मगर गोदी एंकरों के काम एक ही हैं, तो बस इसे उठाकर उनकी जगह और उसे उठा करके उनकी जगह रख देना है।
वैसे भी इनकी जरूरत खत्म हो रही है। वहीं एंगर नई जगह पर जाकर के नए अंदाज का दावा करने लगेंगे और कुछ नए के लिए जगह बनाई जाएगी जो वही अंदाजा लेकर के आएगा। देखते हैं कि ऐसा कितना होता है, होता भी है या फिर नहीं होता है। रविश कुमार की बात आपको ज़्यादा सेंसिबल लगी, दोनों बात ही सेंसिबल है मुझे आप बता सकते हैं। लेकिन अपडेट इस खबर में ये बन जाती है दोस्त कि टीवी एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, फिलहाल किसी भी राज्य की पुलिस द्वारा इस मामले में गिरफ्तारी ना हो ये सुनिश्चित किया जाए। ये बहुत बड़ी राहत इनको मिल रही है। फैक्ट चेकर पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी का मामला देश विदेश में अब छाया हुआ है। पत्रकार ही नहीं, तमाम राजनेता भी इस पर अपनी अपनी अलग अलग राय प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी सिलसिले में जर्मनी के एक विदेश मंत्रालय ने भी तंज कसा है। अब तंज क्या कसा है, उन्होंने कहा है कि देखो प्रेस की आजादी पर झंडोरे पीटने वाला भारत प्रेस की आजादी पर सवाल उठाया है। तो सवाल क्या है, विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बताता है और पत्रकारों को बोलने लिखने के लिए उसको जेल में डाल देता है। इस जुबैर के केस में जर्मनी का तंज है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों से पूछा कि प्रेस की आजादी की बात करने वाले जर्मनी की तरफ से भारत में हो रही इन घटनाओं पर कोई प्रतिक्रिया आखिर क्यों नहीं दी जा रही है, ये सवाल पूछा गया था। अब इसी सवाल का जवाब जर्मनी के विदेश मंत्री देते हैं। आपको पता ही है पत्रकार मोहम्मद जुबैर और ऑल्ट न्यूज नाम की एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट में काम करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बीजेपी आरएसएस के तमाम नेताओं के जो भी दावे होते हैं उन पर सवाल करते हैं, दूसरे तथ्य जो तोड़ मरोड़े हुए थे होते हैं उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, दूसरे तथ्य को सामने रखते हैं। इस वजह से उन्हें वर्तमान में सत्ताधारी दल का विरोधी के नाम से आप जान सकते हैं, आप उनको मान सकते हैं, ऐसी उनकी एक छवि बनाई हुई है और बन चुकी है। देखिए जुबैर की गिरफ्तारी क्यों हुई थी ये भी आपको पता होगा कि एक पुराना एक ट्वीट था उसको लेकर, जिसमें एक हिंदी फिल्म के सीन को उन्होंने रीट्वीट किया था, है ना, तो वो आपको पता है, हनुमान और हनीमून वाली बात आपको पता ही है। तो उसको लेके कार्रवाई होती है, फिर लगातार सीतापुर वगैरह उनको ले जाया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब लगातार उनको अलग अलग जेल में ले जाया जा रहा है क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने नुपुर शर्मा के बयान के मामले में धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए नुपुर शर्मा की जम करके विरोध किया था, इसीलिए भी और बात बहुत ज़्यादा आग की तरह फैलती है और इसीलिए भी उन्हें ऐसे ही मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिससे सत्ताधारी दल साबित कर सके कि उनकी विरोधियों का रिकॉर्ड भी कोई अच्छा नहीं है, ये स्थिति चल रही है। तो अपडेट सारे मैंने आपको दे दिए, इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।